आज बीजापुर में 10 तारीख भारत बंद का जो ऐलान श्रीमान राहुल गांधी जी ने जो किया था पूरी तरह आज कामयाब रहा। बीजापुर की तमाम जनता ने इस बंद का साथ दिया और सेंटर की जो मोदी की सरकार, मोदी जी की सरकार है, उस सरकार के खिलाफ पूरी जनता का ये समर्थन रहा। और जो आज हिंदुस्तान में जो हालात हैं, मोदी जी ने जो वादे किए थे काला धन लाने का और 10 करोड़ युवाओं को जॉब देने का और किसानों के की जो हालात हैं उनको सुधारने का, वो कुछ 4 वर्षों में मोदी जी की सरकार सफल नहीं रही। इस कारण कई दफ़ा माननीय राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट हाउस में सवाल किए, राज्यसभा में सवाल पूछे गए, लेकिन मोदी जी ने कोई जवाब नहीं दिया। और हमारे दुर्भाग्य है, चौकीदार साहब सोते रहे, हिंदुस्तान का जो लोगों की कमाई थी वो लूटकर, हजारों रुपए लूटकर देश से कई लोग विदेश चले गए और चौकीदार साहब आज भी सो रहे हैं। प्रधान सेवक साहब से हमारा सवाल है कि हिंदुस्तान के बिगड़ते हुए हालात, दलितों पर अत्याचार, महिलाओं पर अत्याचार, माइनॉरिटी पर मॉब लिंचिंग और जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर हमला, डेमोक्रेसी हमारे पूरे खतरे में है, सेकुलरिज्म हमारा खतरे में है, हमारा प्रधानमंत्री जी से ये सवाल है कि आप जागने वाले कब हैं, क्योंकि 2019 का इलेक्शन आ गया और पूरी 125 करोड़ जनता आपको 4.5 बरस का हिसाब पूछ रही है। मेरा आग्रह है कि प्रधानमंत्री जी आप जागिए और 125 करोड़ जनता का जो सवाल है, जो आपने वादे किए थे, उसका जवाब दीजिए। नोटबंदी से कई छोटे छोटे व्यापारी अपनी जान खो बैठे और जो औरतों ने जो जमा पूंजी अपने भविष्य के लिए जमा की थी, आपकी नोटबंदी की वजह से वो जो उनका जो डिपॉजिट था पैसा, वो बाहर आ गया, उन्होंने आदमियों को दिया लेकिन उसके रिटर्न नहीं आए। इसका बड़ा मार जो है हमारे हिंदुस्तान की महिलाओं को जो तकलीफ हुई है, फ्यूचर के लिए जो उन्होंने जमा पूंजी जमा की थी वो सारी की सारी अपने घर चलाने वाले, व्यवस्था करने वाले मर्दों को दी, वो रिटर्न नहीं आया। और जो ये जीडीपी ड्रॉप हो रही है, रुपये के हालत बिगड़ रही है, महंगाई जो है पूरे एज पर है, आप कब सवाल का हमारे जवाब देंगे? आप विदेश में जाकर एनआरआई जो सिटीजन ऑफ इंडिया है उनसे आप बात करते हैं, लेकिन हमारी 125 करोड़ की जनता आपसे बात करना चाहती है। आप मन की बात कर रहे हैं, इनका तो पूरा दिल जल गया है हालात को देखते हुए। 125 करोड़ जनता का इनका जो मरहम पट्टी का काम कौन करने वाला है? इसीलिए 2019 में दीन दलित, दुखी, वंचित, शोषित, पीड़ित और अल्पसंख्यक को हिफाजत देने की सरकार, कांग्रेस की सरकार 2019 में कामयाब होगी, गरीबों की सरकार कामयाब होगी, दलितों की सरकार कामयाब होगी, अल्पसंख्यकों की सरकार कामयाब होगी, किसानों की सरकार कामयाब होगी, मजदूरों की सरकार कामयाब होगी, 2019 में कांग्रेस पार्टी कामयाब होगी। और इन सब जो बिगड़ते हुए हालात को, वो कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है राष्ट्र में जो दीन दुखी, दलित और मजदूर, किसान, अल्पसंख्यक, ओबीसी के जो मसले हैं वो हल करने का दम रखती है। मैं तमाम बीजापुर वालों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बंद का साथ दिया और हमारे कांग्रेस, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी का भी मैं शुक्रगुजार हूँ, तमाम कांग्रेस वर्करों का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने बंद का साथ दिया। जय हिंद, जय कर्नाटक। आपका नाम?
ज़मीर अहमद बागलकोट डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन माइनॉरिटी डिपार्टमेंट कांग्रेस पार्टी।